नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश कोरोना अफवाहों से डर लगता है, इसमें आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है और भारत में भी इसको लेकर चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 150 के करीब पहुंच चुकी है। लोग खौफ में हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने ही कोरोना को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैला रहे हैं। इससे अफरा तफरी मच गई है। हम लगातार आपको कोरोना से जुड़ी हुई जानकारियां दे रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं कि आपको अफवाहों से कैसे बचना है, क्या हकीकत है और क्या अफवाह है। और आज भी हम आपको कोरोना से जुड़े सभी भ्रम और उनकी सच्चाई बताएंगे, जिससे आप खुद को अफवाहों और कोरोना दोनों से सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए क्या क्या एहतियात आपको वाकई बरतनी है, जो एक वैलिड तरीका है, जो एक सच्ची बात है, जो डॉक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है। अब तक करीब 7,800 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई बड़े देश छोटे से वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस जानलेवा वायरस से लगातार मजबूती से लड़ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक और अस्पताल से लेकर ऑफिस तक लोगों को न सिर्फ सावधान किया जा रहा है, बल्कि किसी को भी कोरोना का शक होने पर तुरंत आइसोलेट किया जा रहा है। लोग भी सतर्क हैं, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस कठिन वक्त में भी कुछ गैर जिम्मेदार लोग अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे। हर कोई डॉक्टर और वैद्य बन गया है। सोशल मीडिया पर गोमूत्र, लहसुन, गर्म पानी के गरारे और मास्क इस्तेमाल न करने जैसी गलत सलाह मुफ्त में बांटी जा रही है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे मैसेजेस से भरे पड़े हैं। आपने भी कोरोना वायरस को लेकर कई अफवाहें सुनी होंगी। आपको बताते हैं कि इनमें से क्या सही है और क्या गलत। अफवाह है कि नमक मिले गर्म पानी के गरारे से ठीक होगा कोरोना, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोरी अफवाह है। दूसरी अफवाह कि हर 15 मिनट पर पानी पीने से मर जाएगा वायरस, जबकि सच ये है कि पानी पीने से वायरस नहीं मरता। गर्म पानी से जुड़ी एक अफवाह ये है कि गर्म पानी में नहाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी सही नहीं है। लहसुन खाने से कोरोना ठीक होने के दावे वायरल हैं, लेकिन ये भी महज अफवाह है। हालांकि लहसुन खाने से सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो देखिए, आपने रिपोर्ट की किस किस तरह की अफवाहें फैल रही हैं और आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर एन टंडन साहब हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। हमारे साथ के सुजाता राव हैं, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव हैं, डायरेक्टर हैं इन्फेक्शस डिजीज जसलोक हॉस्पिटल के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और इस चर्चा के दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएँ कि कौन कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो पूरी कोरी अफवाह हैं, जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं करना है, और उसको लेकर के सच्चाई क्या है। हम अलग अलग अफवाहों की बात करेंगे और उसकी सच्चाई क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ओम आपसे मैं करना चाहूँगा, चूँकि आप इन्फेक्शस डिजीज़ को देखते हैं। जो दो तीन बातें अभी ज़्यादा चल रही हैं लोगों के सामने, वो ये कि एक तो ये कि नमक मिले पानी से आप गरारे करें, हर 15 मिनट पर पानी पीने से ये मर जाएगा, गर्म पानी से नहाने से ये नहीं फैलता है। ये दो तीन ऐसी बातें हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही हैं। इसको लेकर के हकीकत क्या है, क्या हकीकत है, और क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें कोरी अफवाह हैं, और अगर हाँ तो सच्चाई क्या है? देखिए, जहाँ तक पानी पीने का सवाल है, वहाँ तक कुछ हद तक ये बात सही है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको आम तौर से पीना चाहिए, लेकिन ख़ास करके जब आपको इस किस्म का इन्फेक्शन हो तब आपको ज़रूर पीना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप ऊपर से थोड़ा सा
किसी किस्म का नमक डाल लेंगे तो वो और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन में डिहाइड्रेशन बहुत आम बात होती है और डिहाइड्रेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वजह से 3 से 4 लीटर पानी आपको वैसे ही बताया जाता है पीना चाहिए, और इस किस्म के मौसम में और 3 और 4 लीटर के बीच में आप पानी पियेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अलावा इसके जो आपने जो बातें कही हैं गर्म पानी से या और जो चीज़ें हैं पानी से संबंधित, उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वो करने से आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला है कि इन्फेक्शन रुक जाएगा। नुकसान तो नहीं है सर कोई? मान लीजिए कोई गर्म पानी पी रहा है, ठीक है कि ये कोरोना से कनेक्शन ना भी हो, लेकिन इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? ये भी कहना ज़रा सा मुश्किल है। इन सब चीज़ों में वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिनका बेसिस ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है, और उनसे ही संबंधित जो चीज़ें हैं वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रूव्ड चीज़ें हैं, जो जो मानी हुई चीज़ें हैं और जिसका साइंटिफिक प्रूफ है, जो डॉक्टर जिसे वेरीफाई कर चुके हैं, वैसी चीज़ों को ही आप माने, पहली बात। लेकिन अब मैं एक सवाल डॉक्टर टंडन आपसे मैं जानना चाहता हूं। अभी जो बात हुई, एक बात ये चल रही है कि हर 15 मिनट पर पानी पीने से ये मर जाएगा, लेकिन इसका कोई अभी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कैसे मरेगा ये? ठीक है, ये मान लीजिए नहीं, पानी पीने से नहीं मरेगा, लेकिन कोरोना मरता कैसे है? इसका कोई इलाज या मान लीजिए क्या तरीका हो सकता है कि ये मर जाए? इसका क्या आप लोग देख रहे हैं या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि अभी तक कोरोना को मारने के लिए, कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम भी सामने आएगी, वो भी अंडर समझिए कि रिसर्च में चल रही है और उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, पर आने में साल भर लगेगा। तो आज की तारीख में कोरोना से बचने के उपाय हैं, उन्हीं को आप समझिए कि वो कोरोना को मार सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपका जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बताई जा रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कफ एटिकेट्स बताए जा रहे हैं कि छींकना और खांसना है तो या तो रुमाल में या आप किसी टिश्यू में, कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो आपकी कोहनी है उसके अंदर खांसिए या छींकिए, जिससे कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो बढ़े नहीं, लोगों के पास नहीं जाए और उनको आगे बढ़ाने से हमें रोकना है। तो सबसे बड़ा कोरोना को मारने का इलाज सिर्फ एक है कि हमें बचाव रखना है। ठीक बात। और आज की तारीख में जरा सी भी लापरवाही जिन्होंने बढ़ती है, जैसे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि अगर आप बाहर से आए हो तो होम क्वारंटाइन में रहना है, अगर आपको कहा गया है तो वो फॉलो करें, क्योंकि दो जगह पे जो सामने आई चीजें जहां पे आपने जो बताए गए रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिवेंशन के, और जो ही ट्रीटमेंट में आते हैं उनको अगर आप नहीं मानोगे तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाओगे आम जनता के लिए। और जो अभी तक हमारी स्टेज है, स्टेज 2 में हमने कर्टेल कर रखा है, आप सबकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और मेडिकल प्रोफेशन के जिस तरह से स्टेटमेंट जा रहे हैं और लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। जहां तक गर्म पानी से मारना है या पीना है उसका नुकसान नहीं है, पर उसकी गलत फहमी में मत रहिए कि आप गर्म पानी पी रहे हैं तो हाथ धोना भूल जाए, या जिसको खांसी जुकाम है वो मास्क ना पहने। तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और बाकी जिस तरह से हमारे सभी लोगों ने मिलके आज तक कोरोना को बचा के रखा है स्टेज 2 में, मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे सभी लोग इस मुहिम में जुटे रहेंगे तो हम स्टेज 3 जो कि कम्युनिटी स्प्रेड वाली है उसमें कम से कम नुकसान पहुंचेगा, तभी हमारा फायदा है। और यही मुहिम चल रही है आप सबकी, हमारे प्रोफेशन की, हमारी एसोसिएशन की और गवर्नमेंट की तरफ से, हर जगह एक ही मुहिम है कि इसको ये, बढ़ने ये नहीं देना है, इसका प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। एग्जैक्टली। देखिए, मैं ये बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ अपने तमाम मेहमानों से ताकि आपके अंदर जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। गर्म पानी से कोरोना, हर 15 मिनट पर पानी पीने से कोरोना मर जाएगा, ये कोरी अफवाह है, इस पर, इसके ऊपर आपको यकीन नहीं करना है। कोरोना कैसे मरेगा इसको लेकर के अभी कोई दवा सामने नहीं आई है, इसको लेकर लगातार ग्लोबली काम चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं, और जैसे ही ये
सामने आएंगी चीजें, कोरोना की दवाई आएगी सामने, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आपको कोई कहता है किसी भी सोर्स से कि गर्म पानी पीने से मर जाएगा, या लहसुन खाने से मर जाएगा, या ये करने से मर जाएगा, वो करने से मर जाएगा, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें, ये आपके लिए जोखिम भरा भरा हो सकता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल सुजाता जी आपसे होगा, जो बात अभी डॉक्टर टंडन ने कही कि हम अभी स्टेज टू पर हैं, स्टेज थ्री में ना पहुंचे, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको लेकर के हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और अगर हम उसमें कामयाब हो पाए तो बहुत जल्द हम कोरोना पर काबू पा लेंगे। स्टेज थ्री में ना पहुंचे, चूंकि आप पॉलिसी का हिस्सा, सरकार का हिस्सा रही हैं, तो आपके हिसाब से और क्या स्टेप्स, हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और पब्लिक भी अपने लेवल पर बहुत अवेयर है, लेकिन आपके हिसाब से और क्या क्या बहुत जरूरी और बहुत फौरी कदम है जो अभी सरकार को उठाने चाहिए या जिसके ऊपर पब्लिक को ध्यान बढ़ाना चाहिए ताकि हम स्टेज थ्री में ना पहुंचे? देखिए, अभी तक जो सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, और जो चार कदम लेने थे उनको, जो कहा गया कि स्क्रीनिंग है, और फिर वो जो बाहर से आए हैं लोग उनकी अच्छी तरह स्क्रीनिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उनको क्वारंटाइन भी किया, और फिर वो थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई भी कर लिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। पर अब स्टेज थ्री के लिए नहीं जाने के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम खाली जो बाहर से आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जैसे कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री, उन्हीं का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमें टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता आ गई है। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत ICMR ने, आज DG साहब ने भी कहा है कि कोई 1000 लोगों की रैंडम लेवल पे टेस्टिंग किया है, तो अच्छी बात है, वो नेगेटिव आ गया तो इट शोज कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। पर वो लगातार करते रहें, क्योंकि हमें अभी देखना है कि वो कभी भी कम्युनिटी में ना जाएं, और जाने की कुछ भी एक भी हमें कोई सस्पेशन हो जाए तो जल्दी से जल्दी हमें जाके वहाँ पे पहुँच के उसको रोकना चाहिए, क्योंकि एक बार वो बहुत फैल गई बहुत मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा जो पहले स्पीकर्स ने भी कहा वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने आपके सामने ये रखा गया है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग द एपिडेमिक, उसी हिसाब से जाना है। एक और चीज़ मैं कहूँगी टेस्टिंग के अलावा, एक है कि जो आप कर रहे हैं, आपकी TV चैनल अभी कर रही है इन्फॉर्मेशन, लोगों को जो पैनिक, जो डर, जो भय होके काम करते हैं, वो सब कभी तभी जाएगा जब इन्फॉर्मेशन है। ठीक तरह से समझिए कि ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, और इससे हमें कैसे दूर रहना है। हाँ। तो जो आप कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो और सभी चैनलों में, सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट में हैं, सभी रूट, सभी जो कहते हैं वो ANM द्वारा विलेजेस में जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स में, ये इंफॉर्मेशन दिया जाए कि लोगों को कैसे बहुत ही अवेयर रहना है और इससे बचना है। That is the best form of seeing that the virus is checkmated and isolated. इसको checkmate करके isolate करना पड़ेगा, और थोड़ा testing भी बढ़ा दें तो हमें मालूम होगा कि सच्ची वाकई वो community में नहीं गया है और clusters में ही है, या वो फैलने की कोई संभावना है, तो हमें जल्दी से और ज़्यादा से और ज़ोर से जो अभी हम कर रहे हैं उसको और भी scale up करना पड़ेगा। तो ये है मेरे सुझाव गवर्नमेंट को देने के लिए। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर क्या क्या अफवाहें हैं और उससे आपको कैसे दूर रहना है। अब डॉक्टर टंडन, मैं आपसे एक सवाल सर और पूछना चाहता हूं। हालांकि WHO ने इसका खंडन कर दिया है कि तापमान बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें थोड़ा डिटेल में अगर सर समझाएं हमारे दर्शकों को कि किस तापमान में ज़्यादा स्प्रेड होता है कोरोना, इसको लेकर कोई प्रमाण या कोई रिसर्च है क्या, या जो वायरस फैलते हैं उसके लिए कौन सा तापमान ज्यादा फेवरेबल रहता है? देखिए, वायरस, कॉमन वायरस फैलने का जो भी सीजन है
वो बेसिकली टाइम जब चेंज हो रहा होता है, हमारे मौसम बदल रहे होते हैं बीच में, वो सबसे ज्यादा उस समय होता है, और जब विंटर शुरू हो रहे होते हैं उस समय होता है। तो ये कॉमन वायरसेस का एक सिस्टम होता है। और ये जो हीट से मर जाने की बात है कि हीट में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोना वायरस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये पुराने वायरसेस जो हैं उनके ऊपर ऐसा देखा गया था, इसलिए इसको कहा जा रहा है। पर कोरोना वायरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एकदम नया वायरस है कोविड-19 जो पहली बार देखा जा रहा है, इसलिए इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन इस तरीके की करना कि ये हीट में आएगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा। आम वायरसेस के बारे में जो धारणा है उनके ऊपर जो चीजें पता है उसी को लेकर के इस बात को कहा जा रहा था। पर इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आज की तारीख में वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे टेम्परेचर इस समय ज्यादा है पर फिर भी कोरोना इन्फेक्शन वहां हुआ, वो इसका दर्शा रहा है इस चीज को कि इसके माने कि हाई टेम्परेचर भी कोरोना पे असर नहीं डालेगा। पर वर्ल्ड ओवर एक चीज पक्की हो गई है कि इस कोरोना को अगर रोकना है तो सिर्फ प्रिवेंशन है, और इस प्रिवेंशन की जितने भी तौर तरीके इंडिया में अपनाए जा रहे हैं, जिस स्पीड से इंडिया ने अपनाए हैं, आज वर्ल्ड उसको एप्रिशिएट कर रहा है, सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं कि सीइंग द पॉपुलेशन हमारी 1.3 बिलियन और नंबर ऑफ केसेस लेस देन 150, जबकि दुनिया में अगर आप यूके, इटली कहीं भी देखें, यूएस सब जगह केसेस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में तो इवन इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि इंडिया इज ए मिरेकल कंट्री, यहां ये सब 1.3 बिलियन के बावजूद भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रखा है। आई थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट, अपने आम जनता को, अपने मीडिया को, सबको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और मेडिकल प्रोफेशन को खास करके करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सेहत के ऊपर रिस्क लेके, अपनी जिंदगी पे रिस्क लेकर के भी इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने प्रिवेंशन के मेजर्स लिए हुए हैं, आई थिंक उससे अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, आप कह रहे हैं जो प्रिवेंशन हमने अपनाया है इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता कोरोना से बचने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए। लेकिन डॉक्टर ओम, मैं आपसे सर एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं या डिटॉल साबुन इस्तेमाल करते हैं तभी आप अच्छे से हाथ साफ कर पाएंगे और तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। इसमें सच्चाई है क्या? अगर कोई सैनिटाइजर और डिटॉल साबुन की जगह कोई दूसरे साबुन से हाथ धोता है वो भी कारगर है, या डिटॉल और सैनिटाइजर ज्यादा कारगर है? देखिए, साबुन आप जो भी पसंद करें आप इस्तेमाल करें, जब तक कि आपका हाथ ठिकाने से साफ हो रहा है। आप हाथ यूं ना साफ करें कि आपका 5 सेकंड में आपने पानी गिराया और कुछ इस्तेमाल कर लिया। ठीक, वो हाथ साफ करने का जो तरीका होता है जिसमें कम से कम आप 20 सेकंड हाथ धोएंगे अपना किसी भी साबुन के साथ, जिसकी वो वैल्यू होती है कि हाथ आपका साफ कर सके, तब तक कोई हर्जा नहीं। आप जो पसंद करें आप वो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मगर हाथ आप उस तरीके से साफ कीजिए जिस तरीके से आपका हाथ ये और वायरस की संख्या आपके हाथ में ना रहे, और आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप ये इन्फेक्शन ना दे सके। तो ये मिथ भी आप बिल्कुल इसको दूर कर दें अपने दिमाग से कि अगर आप डिटॉल साबुन से हाथ धोएंगे तभी आप इससे बच पाएंगे, या आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस मिथ को बल देंगे, इस मिथ को बढ़ावा देंगे तो मार्केट में इसका फ़ायदा उठाया जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, सैनिटाइजर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, डिटॉल साबुन की भी किल्लत कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तो ये मिथ है, आप हाथ धोएं, अच्छे से धोएं, किसी भी साबुन से धोएंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल सुजाता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टेस्टिंग सेंटर, उसकी थोड़ी कमी दिख रही है। हालांकि ये बात ठीक है कि अब तक के प्रयास काफ़ी अच्छे हैं और हमने बहुत हद तक इसे काबू करने की जो मुहिम देश में चली है, चाहे वो पब्लिक के लेवल पे हो, चाहे मीडिया के लेवल पे हो, या सरकार के लेवल पे हो, वो एक संतोषजनक है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से टेस्टिंग लैब बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम स्टेज 3 में ना पहुँचें? मेरा ये समझना है, क्योंकि आप देखें आंकड़े कि 7 मार्च से अभी तक के, मतलब हमारे देश में अभी तक 12,500 ऐसे टेस्ट किए गए हैं आज तक, तो इसमें से कोई 7,000 तो 7 मार्च के बाद हुआ है,
कि मतलब 10 दिन पहले, और आप ये देखें कि केसेस की बढ़ावा कब आई, वो भी 7 मार्च से बढ़ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस भी निकली, तो उसका ये क्या कोरिलेशन मिलता है कि आप ज्यादा टेस्टिंग करें तो ज्यादा पॉजिटिव्स भी निकलने की संभावना है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पॉजिटिव्स हैं तो नहीं बताइए, हमें आंकड़े कम रखें पर वो नहीं बताइए, क्योंकि उससे और भी समाज में फैल गया तो बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करने से हमें ज्यादा पॉजिटिव्स मिल रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए हमारे देश में खाली तीन लोग भी को नहीं जाना था, पर दूसरों का देखे तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमारे डॉक्टर लोग, जो भी है जो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर उससे फायदा निकल रहा है। तो हमें ये टेस्टिंग की जरूरत है, और अभी तक हम 52 टेस्टिंग साइट्स हैं, पर आज अभी DGICMR ने आज कहा कि कोई 70 टेस्टिंग और भी बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी लाएंगे, तो उससे तो अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्टिंग बढ़ाइए और पॉजिटिव को निकालिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि अफवाह क्या क्या है और उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, और हकीकत कोरोना को लेकर क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।